नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे इस्तीफा मंजूर, सियासत भरपूर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया है। दरअसल इस इस्तीफे को लेकर पहले से कोई चर्चा कहीं भी नहीं सुनी गई थी। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि वो निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। मात्र 18 माह बाद ही डॉक्टर राकेश ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार नकल रहित परीक्षा कराने में नाकाम है। सरकार लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पर नकल कराने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान होकर पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजू ने इस्तीफा दिया था और अब डॉक्टर राकेश कुमार ने, जो कि गंभीर है। वही माना जा रहा है कि डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे से आयोग के भर्ती अभियान को झटका लग सकता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस्तीफे को लेकर पहले से कोई चर्चा कहीं नहीं सुनी गई थी। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि वो निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे। माना जा रहा है कि डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे से आयोग के भर्ती अभियान को झटका लग सकता है। हालांकि सीएम नामी का कहना है कि सरकार बंपर भर्ती कराने जा रही है, इसके तहत विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही स्वरोजगार के माध्यम से भी सरकार बेरोजगारों के हाथों को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। सरकार की जितने भी हमारे पोस्ट खाली हैं, उन सब की विज्ञप्तियां लगातार जारी हो रही हैं, प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग हैं और इनकी संख्या कई हजारों में है, 20,000 से भी ज्यादा लाखों में है। सब मिलाकर सरकारी कहें तो वह भी काफी है और जो इस प्रकार के जो प्लेसमेंट जो हो रहे हैं उसके उन सबको मिलाएंगे तो लाखों हो जाएंगे। और जो हम स्वरोजगार को कर रहे हैं, स्वरोजगार के माध्यम से कई लाख लोगों को रोजगार देने का हमारा प्रयास है। केवल अकेले ही जो है अभी जो हमने 18,000 पॉली हाउस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बनाने का निर्णय लिया है, उससे भी 1 लाख से भी ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। जो हम नई पर्यटन की नीति लाए हैं उससे भी 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि 18 माह बाद ही डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद से राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार नकल रहित परीक्षा कराने में नाकाम है। सरकार लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पर नकल कराने का दबाव बना रही है, जिससे परेशान होकर पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजू ने इस्तीफा दिया और अब डॉक्टर राकेश कुमार ने, जो कि गंभीर है। आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश कुमार के कार्यकाल के दौरान आयोग को ग्रुप सी भर्ती परीक्षा आयोजित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में थी। उत्तराखंड सरकार राज्य में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नकल रहित परीक्षा कराने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। नकल रहित परीक्षा कराने के बजाय जिस तरह से सत्ता पक्ष के सफेद पोश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्षों पर नकल कराने के लिए गलत तरीके से परीक्षा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, उस दबाव को दोनों आयोग के अध्यक्षों ने नहीं झेल पाया। पहले UK SSC के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया। ये दोनों इस्तीफे इस बात का प्रमाण है कि राज्य के अंदर सरकार नकल रहित परीक्षा कराने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। एस राजू ने तो अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि उनको नकल रहित परीक्षा कराने और नकल की जांच में शिथिलता करने के लिए दबाव था। उत्तराखंड में अजीब परिस्थितियां हैं। आप देखिए कि 3 मुख्यमंत्री और 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गया है और 3 मुख्यमंत्रियों के अगर आप घोषणाएं उठा के देखेंगे, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी हों, उन्होंने कहा कि 25,000 पदों पर नियुक्तियां करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उससे पहले इन्हीं पदों पर भर्तियों के लिए 4-4 बार घोषणा कर चुके थे। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री धामी भी लगातार जो है 25,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा लगातार कर रहे हैं। और देखने में यह आया कि राज्य में घोषणाएं भी हुई, भर्तियां भी निकली, परीक्षाएं भी आयोजित हुई,
लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिली और बेरोजगार सड़क पर उतर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा देकर राज्य की सियासत को गर्मा दिया है। सवाल ये है कि आखिर पहले एस राजू और अब राकेश कुमार का इस्तीफा क्या दबाव का नतीजा है? क्या राज्य के बेरोजगार युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना सपना ही रहेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो पहले एस राजू और अब राकेश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। 18 महीने का महज उनका ये कार्यकाल रहा और उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि निजी कारणों के चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या उत्तराखंड सरकार नकल विरोधी कानून जो लेकर आई है उसका असर नहीं दिख रहा है? क्या नकल विहीन परीक्षाएं कराने में असफल साबित हो रही है, जो कि सवाल विपक्ष द्वारा पूछे जा रहे हैं? इसके अलावा अगर हम विपक्ष की बात करें तो देखिए, विपक्ष भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ऐसा मानना है कि सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने में असमर्थ है, और एस राजू जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कई एलिगेशंस लगाए थे। हालांकि उसके बाद कई सवाल खड़े हुए थे लेकिन उनके भी जवाब आज तक नहीं मिले हैं, और अब राकेश कुमार जी ने निजी कारणों के चलते इस्तीफा देने का हवाला दिया। अब ये बड़ी बात है कि आखिर क्या किसी तरीके को कोई प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है? क्योंकि दूर दूर तक कहीं पे भी ये सुर्खियां नहीं रहीं कि राकेश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं। एक ओर जहां सरकार 25,000 पदों पर भर्ती का दावा कर रही है, ऐसे में राकेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब तमाम चीज़ें, तमाम सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष की राय फिलहाल बहुत अहम है। और आशीष जी, क्या कहना चाहते हैं? राकेश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया, 18 महीने का महज उनका ये कार्यकाल रहा और निजी कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है? देखिए मैडम, ऐसे ही बोला जाता है, जब कोई इस्तीफा देता है तो यही बोलता है कि निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर अगर ऐसे ही बोला जाता है तो फिर विपक्ष को क्या दिक्कत है? फिर तो ठीक है ना, दे दिया इस्तीफा, यही बोला जाता है, मर्जी है, दे दिया। मुख्यमंत्री जी का दबाव है, सत्ता का दबाव, ये तो बोला ही नहीं जाएगा, यही बोला जाता है कि भाई मैं निजी कारणों से दे रहा हूँ। पर कारण बहुत गहन होते हैं, उन कारणों को बताने में असमर्थ होंगे राकेश कुमार जी, लेकिन कारण गहन है। देखिए, इन्हीं मुख्यमंत्री जी के आवास में दो लोगों ने जान भी दी। अभी आप देखिए, इनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने भी अपनी जान दी है, और इससे पहले एक महिला की भी इनके ही आवास में उन्होंने भी अपनी आत्महत्या की है। तो इनके यहाँ क्या दबाव इतना पड़ता है, इतना दबाव क्या है, इतना प्रेशर क्या है कि लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? जो लोगों ने जिंदगी अपनी खो दी, और राकेश जी का जो इस्तीफा है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष का दबाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। 25,000 भर्तियां आनी, आपने के माध्यम से भी पता आपने बताया, 25,000 भर्तियां आनी है। इन भर्तियों को किस दबाव में करवाना चाहते थे ये लोग, उन भर्तियों में किस तरह से सेटिंग करवाना चाहते थे, जो राकेश कुमार जी ने असमर्थता जाहिर की होगी कि मैं ये सेटिंग बाजी नहीं करूंगा। अगर कल को कोई बात हो गई तो नाम तो मेरा ही आएगा, फसूंगा, मैं अध्यक्ष था। तो उन्होंने इसलिए इस अपनी जिम्मेदारी, उन्होंने कहा आपकी जो ये आफत है ये मैं अपने सर मोल क्यों लूं, इससे बढ़िया है कि मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, शांति से अपने जेल की हवा तो नहीं खानी पड़ेगी, उसके बाद जो आप काम करवाने वाले हैं। तो इनके दबाव से बचने के लिए, इनके दबाव से बचने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया है, और सीधे सीधे सरकार की ओर निशाना जाता है कि सरकार के इनके ऊपर नाजायज दबाव है, जिस कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, दर्शन डोभाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं राकेश कुमार के इस्तीफे पर? यश जी, हर अफसर जब इस्तीफा देता है तो यही कहता है कि मैं निजी कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन मुख्य तौर पर इसके दो कारण होते हैं। एक होता है कि कोई अफसर अपना अपनी नौकरी बचा देना चाहता है, और उसे लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि इसमें बलि का बकरा सरकारी अफसर ही बनता है, इसमें दबाव होता है सफेद पोषों का, फायदा उठाते हैं सफेद पोष, लेकिन बलि का बकरा अंत में
सरकारी अफसर बनता है, तो इस कारणों से भी को चाहता है कि भाई मैं इससे पीछा छोड़ा और मैं किनारे कर लूं और अपना जिंदगी आराम से जीऊं। दूसरा कारण होता है कि कुछ अफसर जो दबाव झेल लेते हैं और समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि ठीक है अगर दबाव है तो मैं भी थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ, रिस्क ले लिया जाए। तो ऐसे भी कई अफसर है जिन्होंने रिस्क लिया और अच्छा खासा पैसा कमाया, उन्हें ये सलाह भी देते हैं बाद में कि ठीक है अभी आपने कमा लिया, हमारा काम हो गया, अब आप किनारा कर लीजिए। इसके मैं दो एग्जांपल भी दूंगा जो मेरे साथ स्वयं घटित हुए हैं, जो मैंने किस तरह से दबाव बनाया, मैं नाम लेकर के कह दूंगा अफसरों का और डिपार्टमेंट का भी कि किस तरह से दबाव बना करके उन्होंने जो है समय से पहले इस्तीफे दिए। तो इसमें जैसे कि अभी पूर्व में आशीष जी ने बताया और कि इसमें जो है कुछ दिन पूर्व एस राजू जी ने साफ साफ कह दिया जो जो बातें उन्होंने कही जिसके आज तक सवाल नहीं मिले हैं वो सब जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये जो एक बहुत बड़ा इनका एक रैकेट है परीक्षाओं को नकल को लेकर के जो एक बिजनेस है एक तरह से मैं कहूंगा, जो मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का समय उत्तराखंड में सबसे बड़ा धंधा है परीक्षाओं से पैसा कमाना, इसमें बड़ी मोटी रकम नहीं मिलती है क्योंकि आपने देखा होगा जो छापे पड़े हैं उसमें करोड़ों रुपए अगर एक अफसर के यहाँ से मिलता है तो इन्होंने खुद कितने कमाए होंगे। और चूंकि अफसर ये भी जानता है कि ये सरकार में आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन कल हमारी नौकरी जाएगी, कल मान लो अगर दूसरी पार्टी आती है, दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो उनको सजा मिलना तय है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब दबाव बनता है, जैसे मैंने स्वयं एक तो पीएम जयसवाल का नाम लेकर के मैं कहूंगा कि मैंने वहां पर इतना जबरदस्त जिस दबाव और डर की बात आप कर रहे हैं मुझे, लेकिन ये भी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, अभी तो सरकार शुरू हुई है, अभी तो बहुत वक्त है, तो ये 18 महीने में ही फिर इस्तीफा देने का क्या मतलब बनता है? इतनी जल्दी राकेश कुमार जी थक गए, पैसा किसको काटता है भाई? 18 नहीं, मैं कह रहा हूँ 6 महीने पहले इस्तीफे दिए गए हैं, उनको लगता है उनको सलाह दी जाती है कि भैया अब आप किनारा कर लो। ये सरकार के लोग ही, यही सफेदपोश जो इसमें पैसा कमाते हैं, वही लोग सलाह देते हैं कि अब आप किनारा कर लीजिए, अच्छा। आपका वक्तव्य जाने का आ गया और बस हो गया, हमारा काम हो गया, आपका काम हो गया, उसके बाद जो आप रिस्क मार दीजिए, आप निकल जाइए और आपके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि दूसरी सरकार भी आएगी तो हो सकता है कि उनको आश्वासन देते होंगे भाई अभी तो हम ही रिपीट लोगे, फिर कौन पूछने वाला 10-20 साल के बाद, कौन पूछने वाला। कई केसों का एग्जाम्पल भी देते हैं कि उत्तराखंड में ऐसे कई केस है कि जिसकी कभी कभी जांच हुई नहीं, जब से उत्तराखंड बना है तब से कई ऐसे मामले हैं जिसकी कभी जांच ही नहीं हुई है, ना सीबीआई जांच हुई है, ना डिपार्टमेंटल जांच हुई है, ना किस तरह की जांच हुई है। तो उनको ये भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि उत्तराखंड में किस तरह की कोई जांच होती नहीं है, इसलिए रिस्क लेना ठीक है। जो पैसा कमा लिया उसके बाद अपना निकल जाओ यहाँ से और यूपी बिहार अपने निकल जाओ, वहां पर जो है अपना और जगह पैसा लगाओ। तो मैंने आपको कहा था कि पीएम जयसवाल में मैंने दबाव बनाया था एक चीफ के ऊपर और जब उसको इतना घेराव करके लगातार मैंने दबाव बनाया तो उन्होंने 6 महीने पहले गोयल साहब थे, मैं नाम लेकर कहता हूँ, उन्होंने समय से पहले 6 महीने पहले इस्तीफा दिया था। ऊर्जा विभाग के चीफ के ऊपर उसी तरह का मैंने दबाव बनाया था जिन्होंने भी समय से पहले उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि चारों तरफ से मैंने इतना प्रेशर बना दिया था, उनको लगता था नौकरी खतरे में। तो हालांकि मुझे उन्होंने थोड़ा सा जो मैंने जिस चीज के दबाव बनाया था वो काम जरूर शुरू किया था, लेकिन जो भ्रष्टाचार था जिसका मेरा आरोप था उसकी जांच आज तक नहीं हुई है। तो हर जगह हर महकमे के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई विभाग नहीं जहां पर सफेदपोश न मिले हों। और ये बलि का बकरा सिर्फ या तो मैंने कहा कि दो स्थितियां होती है, या तो बलि का बकरा बनते हैं या इस्तीफा दे दे अपनी मर्जी से अपने को बचाने के लिए, या फिर समझौता करें, कंप्रोमाइज करें, पैसा कमाएं और उनके आश्वासन पे निकल जाएं कि भैया अब ठीक है आप किनारा कर लो, आपने जो कमा लिया उसको सही जगह कहीं लगाओ, इन्वेस्ट करो और आगे बढ़ो और हम भी जो है यहाँ से बस निकलेंगे और आगे आपके ऊपर कोई इंक्वायरी होगी नहीं। ये मैंने कहने का मतलब है। ठीक है, पीसी थपलियाल जी अनम्यूट कीजिएगा। थपलियाल जी, मैं समय समय पर यही चीज कहता हूँ कि इस राज्य की जो व्यवस्था है सिस्टम फेल्यूर हो चुका है और वो संपूर्ण राज्य माफियों के जबड़ों में चंगुल में फंस चुका है और जो सरकार है वो अपने बचने के लिए धर्म का एजेंडा लेकर जनता को गुमराह करने पे लग चुकी है। अब कोई इलाज नहीं है इसमें। आप अगर देखिए राकेश कुमार एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं और जिस व्यक्ति ने तमाम अपनी तह जिंदगी पूरे प्रशासनिक कार्यों में पूरी क्षमताओं के साथ काम किया है, बहुत अच्छे डीएम भी रहे हैं वो देहरादून के और बहुत उनका बहुत अच्छा वो है रिकॉर्ड, और वैसे अधिकारी का
अपनी 4 साल की सर्विस और 3 की, अभी 2027 तक की सर्विस थी, और ऐसी सर्विस की जिसमें तुम्हें आराम राजा बन के, मतलब आप तो भाग्य विधाता, भगवान से कम पोस्ट नहीं होती जहां आप भी आपके कलम के माध्यम से पीसीएस और तमाम लोगों का भविष्य संवरता है अधिकारी बनने का। तो इनका यहां से रिजर्वेशन देना पूरी जनता को, खैर जनता तो अब रही नहीं, जनता तो अब बिल्कुल भक्ति में डूब गई है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आए, लेकिन ये बहुत ही, जो भी इस राज्य के हितैषी हैं उनके लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि अगर इस तरह से अधिकारी डिमोलाइज होकर अपनी सेवाओं से हटेंगे तो इस राज्य का क्या होगा। वैसे भी हम सचिवालय में देख रहे हैं कि अधिकारी बहुत ही डिमोलाइज हैं, क्योंकि इस राज्य में राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि हर पत्थर पर नेता बैठा हुआ है, और इन तमाम चीजों को देख के कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, जो चल रहा है जैसे चल रहा है, जिसकी लाठी उसका भैंस इधर चला प्रोला में दौड़ रहे हैं, अरे भागो यहां से, दुकानें बंद करो, फिर चिजालू ट्रेंड, और फिर पहाड़ में नंगा नाच हो रहा है, एक युद्ध छिड़ा हुआ है बल वहां पे, जो सरकार बोल रही है। अब भगवान जाने उधर, आप देखो मानस खंड में मंदिर बन रहे हैं, उनपे हमारे मुख्यमंत्री कभी हल लगा रहे हैं, कभी बीज बो रहे हैं, लेकिन जो जनता के मूल प्रश्न है, रोजी रोटी का सवाल है, वहां पे आप देखिए कि यूपीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, महत्वपूर्ण विभाग है इस राज्य का, जहां से कि इस तरह के अधिकारी जिन्होंने जो भविष्य के विश्वकर्मा है इस राज्य के, उनको निकलना था, उन्होंने सेलेक्ट होना था, और उनको सेलेक्ट करने वाला भगवान ही अगर छोड़ के चले गया तो इस राज्य को अब बद्रीनाथ केदारनाथ भी नहीं बचा सकते। और हम तो बहुत ही चिंतनीय है कि आफ्टर ऑल जो 42 आदतें हुई हैं इस राज्य में, जिन युवाओं ने जिन ने अपना बलिदान दिया है, वो खाम खाम है बलि, बहुत दुखी है, हम शर्मिंदा है कि हमने इस राज्य की लड़ाई लड़ी है, क्योंकि ये राज्य बिल्कुल बेपटरी हो चुका है मैडम। और जिस तरह से इस समय हमारे राकेश कुमार जी ने अपना पद त्याग किया है, और आप भी देखिए कि उनको इधर का भी ग्रुप सी की भी काम देने लग गए थे, पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप सी की सिलेक्शन का काम नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे नकल माफिया, इतना भयंकर माफिया जिसकी गाड़ी सीधी सीधी पकड़ी गई थी, और जो मेरठ तक जिनके कनेक्शन मिले थे, आज कहीं नहीं, यहाँ तो माफिया राज इतना हावी हो चुका है कि अंकिता की सुनवाई के लिए अगर हम कोटद्वार में जाना चाहते हैं तो पुलिस खड़ी हो जा रही है, अंकिता को श्रद्धांजलि देने के लिए हम बनांतरम जा रहे हैं तो वहां पे पुलिस हमें थपड़ा। जी मैं वापस आती हूँ आपके पास, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। और रविंद्र जी, बहुत सारे आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं, राकेश कुमार जी का इस्तीफा जिसने सभी को चौंका दिया, और मैं खुद ये बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एस राजू के बाद राकेश कुमार जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई। और भले ही आप उसको नैतिकता के आधार पर औपचारिकता कहें या कोई भी कठिन शब्द हिंदी का ले आइए और कह दीजिए कि उन्होंने इस आधार पर दे दिया है, लेकिन मैं ये जानना समझना चाहती हूँ जो विपक्ष पूछ रहा है कि भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा प्रेशर था उनके ऊपर कि उनको इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कहा कि निजी कारणों के चलते मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ऐसे कैसे इस्तीफा दे दिया। अब निजी कारणों का तो मुझे ज्ञात नहीं कि व्यक्तिगत किसी के क्या निजी कारण हो सकते हैं, मुझे पता था आप यही कहेंगे, क्या पीछे क्या कारण हो सकता है, लेकिन ऐसी जी मैं ज्यादा लंबा समय पीछे नहीं जाऊंगा, जिस प्रकार से अभी फिल्म की स्टोरी बनाई है, चाहे आशीष नोटियाल जी हो, पीसी थपलियाल जी हो, दर्शन डोभाल जी हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, ये फिल्म बना इस पे बन सकती है, आजकल फिल्मी स्टोरी बना रहे हैं। अभी एक हफ्ता पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं है, जब आप इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि विधायक ने मुख्य सचिव को लेटर सौंपा, तब आपका विषय था कि बेलगाम अधिकारी, तब यही पीसी थपलियाल जी यहाँ बैठ के ये हल्ला मचा रहे थे कि बेचारे विधायक आज अधिकारी इतना बड़ा हो गया है, यहाँ पे आज शोषित कर रहा है, आज ये कह रहे हैं बेचारा वो अधिकारी, वो इतना होनहार अधिकारी, मेरे पे एक एक कैमरे वीडियो निकाल के बैठा हूँ, कहो तो सुना दूंगा, अभी मैं बिल्कुल निकाल के बैठा हूँ। तो ये फिल्मी स्टोरी जिस प्रकार से इन्होंने चलाई है,
कि जी उस पे दबाव था, वो उससे पेपर लीक कराना चाहते थे। अब देखिए इस स्टोरी में थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ, मैं आशीष जी की बात में पूरा सहमत हूँ कि वाक्य में वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा दबाव था उन पे कि भैया उन्हें भर्ती कराने कुछ बीजेपी के लोगों को। लेकिन उसके बाद राकेश कुमार जी गए विपक्ष के नेताओं के पास कि भाई मैं तुम्हें सबूत दे रहा हूँ, देखो ये जो है इस प्रकार से ऐसे लोग भर्ती कराना चाहते हैं, आप मेरी मदद करो। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे भी 20 नाम है, इन्हें भर्ती कराओ भाई, हम तब करेंगे। अब बताओ अब आप इसमें क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि विपक्ष के नेता सारे के सारे कह रहे थे कि हमें भर्ती कराओ इस दबाव में, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये कोई बात नहीं है, ये फिल्मी स्टोरी के अलावा ये चीज़ कुछ नहीं है। एक हफ्ते पुराने यही आशीष नोटियाल जी बैठे हुए कह रहे थे अधिकारी आज यहाँ पे इस कदर हो गया है कि अधिकारियों ने इतना वो मचा दिया है, कोई सुनता नहीं, किसी का फोन नहीं उठाता। आज ये कह रहे हैं वो बेचारे अधिकारी दबाव महसूस कर रहे हैं, वो बेचारे अधिकारी। अरे उस दिन रविंद्र जी ये सवाल आपने उठाया, मैं ये सवाल पूछने बाद में आगे कि विपक्ष, तो देखिए मैं ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए यूके एसएससी में जिस प्रकार से नकल का हुआ, एस राजू ने जिस प्रकार से अपने इस्तीफा दिया, एस राजू जी ने कुछ गंभीर उनके आरोप भी थे उसके ऊपर, उन्होंने कहा भी लेकिन मुझे बताइए एस राजू जी ने जो गंभीर आरोप लगाए, इतने संगीन आरोप एक तरीके से कह सकते हैं कि सीधे सीधे उन्होंने सफेद पोश नेताओं पर लगा दिए थे, उनसे पूछना तो चाहिए था ना। अगर इतनी ही जीरो टॉलरेंस था है उत्तराखंड में, तो फिर आप उनसे पूछिए तो जाकर कि भाई वो सफेद पोश कौन है। लेकिन इसका जवाब आप समझिए ना कि एस राजू के बाद अशोक कुमार जी भी इस्तीफा देके चले गए, लेकिन अभी तक नाम नहीं पता है कि वो सफेदपोश कौन है, जिनका इतना प्रेशर है कि भाई इस्तीफा देने को लोग मजबूर हो जाते हैं। एस राजू के बाद राकेश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है कि ये कहा था कि मेरे को उनका नाम पता है और अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं वो नामों को उजागर करूंगा। तो जरूरत कब पड़ेगी आपको, जरूरत महसूस नहीं हुई? देखिए सुनिए, देखिए ये काम जांच एजेंसियों का है, जांच एजेंसी वो भी कोर्ट की निगरानी में। देखिए इसमें कोर्ट ने भी कई बार अपने सवाल खड़े किए, उन्होंने कोर्ट ने भी सरकार को कहीं ना कहीं कहा और सरकार के जांच एजेंसियों को भी सराहा कि जांच सही दिशा में कर रहे हैं। तो ये कोर्ट की निगरानी में, बकायदा कोर्ट इसको निगरानी कर रहा था। और आप जैसा मीडिया और आप जैसे अरुण शर्मा जी जैसे पत्रकार भी बड़े गंभीर सवाल खड़े कर, देखिए सवाल में अगर वजन हो, अगर कोई स्क्रिप्ट ना हो तो उसमें मजा आता है जवाब देने। लेकिन एक हफ्ते में आपकी निष्ठाएं कभी अधिकारियों पे कभी नेताओं पे, ये तो चलिए ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी बात एक बात मिल गई आपको जवाब देने के लिए, भी बहुत अच्छी बात है कि आपने तोड़ मरोड़ के भी अलग चीजें निकाल कर यहाँ पर रख ली और तथ्य पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो अभी भी यही है कि राकेश कुमार जी ने इस्तीफा क्यों दिया, और अगर दे दिया इस्तीफा 25,000 पदों पर जो भर्ती की बात कही जा रही है उसका क्या होगा, और इस पर हम आगे बातचीत इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। उसके बाद अरुण जी आपके पास आती हूँ मैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं इस्तीफा मंजूर और सियासत भरपूर, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी पर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया है। हालांकि ये कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी कि राकेश कुमार जी इस्तीफा दे सकते हैं। अब विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिला कि भाई डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया, हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया है और महज 18 महीने का ही उनका कार्यकाल था। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है, अब भर्ती को लेकर भी कई सवाल खड़े होने जा रहे हैं क्योंकि जहां एक ओर धामी जी कह रहे हैं कि हम 25,000 पदों पर जो पद खाली पड़े हैं उन पर भर्ती करेंगे, इनका इस्तीफा राकेश कुमार जी का इस्तीफा हो गया है, ऐसे में तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अरुण शर्मा जी जवाब में रविंद्र जी आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं जरा। अरुण जी क्या कुछ कहना चाहते हैं भाई, अपने यहाँ पर आशीष नौटियाल जी को सुना, उन्होंने एक माफ कीजिएगा आशीष जी एक स्क्रिप्ट दी, थपलियाल जी ने भी एक स्क्रिप्ट सुनाई, दर्शन डोभाल जी ने भी बताया कि क्या क्या हुआ, स्क्रिप्ट हुई, और रविंद्र जी ने भी एक स्क्रिप्ट सुना दी और उन्होंने तो विपक्ष को भी इंक्लूड कर लिया। आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसे समझना चाहती हूं कि राकेश कुमार जी का इस्तीफा महज 18 महीने के कार्यकाल में
एस राजू जी को लेकर तमाम सवाल पहले से ही खड़े हो रहे थे और उनसे ये भी हो रहा था कि भाई उनसे जवाब मांगा जाए, लेकिन ताकि उसके भी जवाब नहीं मिले। ऐसे में राकेश कुमार जी के इस्तीफे को किस तरीके से देखते हैं आप? अनम्यूट कीजिएगा अरुण जी। यशी जी, जी मैं कह रहा हूँ ये बहुत देखिए आसानी से पचने वाला मामला नहीं है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार का इस्तीफा निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। और सवाल ये भी है कि जब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो पिछले कुछ दिनों में जब से यूके ट्रिपल एससी में घपले हुए और उनको भर्तियों का अधिकार दिया गया और वो भर्तियां भी बहुत तेजी से कर रहे थे। अभी हाल में हमने देखा वन दरोगा और तमाम पदों पर भर्तियां हुई है, एग्जाम हुए हैं, कुछ के रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन उस तेजी के बीच में अचानक अध्यक्ष का इस्तीफा दिया जाना, क्योंकि अध्यक्ष अपने सदस्यों के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाता है, भर्ती की भी प्लानिंग बनाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कई कई साल हो जाते हैं जो हमारे यहाँ पीसीएस परीक्षा होती है वो कई कई साल उनको लग जाते हैं। अगर आपको अभी जो रिजल्ट निकले हैं पीसीएस के वो कितने साल बाद आए ये सबको पता है। और उस बीच में जब वो तैयारियां चल रही हो सारी भर्तियों की, जैसा सरकार चाहती थी उस हिसाब से तैयारियां चल रही थी, और उसके बीच में अचानक इस्तीफा दिया जाएगा तो सवाल खड़े होना लाजमी है। देखिए विपक्ष को मौका मिल गया ये कहने का कि वो दबाव में थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है। तो सरकार क्यों नहीं उन कारणों का खुलासा करती कि क्यों इस्तीफा दिया? आखिर उन्होंने लिखा हम निजी कारणों से इस्तीफा देते हैं, लेकिन जब आदमी सार्वजनिक सेवा में होता है तो निजी कारण कोई मायने नहीं रखते। ना राकेश कुमार बीमार है, ना उनके परिवार का कोई बीमार है, या उनके ऊपर कोई और दबाव रहा होगा, जबकि राकेश कुमार पहले ही आईएएस से इस्तीफा देकर जा चुके थे। उनको बाद में यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया था और मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है कि पिछले जब वो चेयरमैन बनाए गए थे तो एक मंत्री, वरिष्ठ मंत्री है सरकार के, उनके साथ चर्चा चल रही थी, तो उन मंत्री जी का ये कहना था कि मैं छांट कर पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे अधिकारी को लाया हूं जिसकी ईमानदारी निर्विवाद है, और निश्चित तौर पर जहां जहां हो रहे हैं उन्होंने काम बहुत सुलझे तरीके से किया और किसी दबाव में नहीं किए, ये उनके बारे में कहा जाता था। लेकिन जब वो दबाव में बिखरते नहीं थे तो किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, ये एक अनुसूचित प्रश्न है हमारे सबके सामने, और इस अनुसूचित प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही होगा, चाहे वो सरकार ढूंढे। अगर सरकार नहीं ढूंढेगी तो सरकार को लगातार विपक्ष के कटाक्ष झेलने पड़ेंगे। विपक्ष के इस, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, करण महारा ने, या तमाम जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बिल्कुल। सभी ने गंभीर आरोप लगाए। मैं कतई इस चीज के लिए नहीं कह रहा हूं कि हम इस चीज को आसानी से भूल जाएं कि क्यों इस्तीफा दिया इतने सीईओ के अफसर ने, लेकिन अगर इस्तीफा दिया है तो उसके पीछे कौन से कारण है उसकी पड़ताल करना जरूरी है, चाहे वो मीडिया करे या सरकार के जो प्रवक्ता है वो बताए कि आखिर कौन सी मजबूरी थी जो डॉक्टर राकेश कुमार को। रवीन जी ने तो एक लाइन में स्टेटमेंट दे ही दिया ना, उन्होंने कहा कि निजी कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और मुझे लगता है ये निजी कारण कभी भी प्रोफेशनली नहीं अप्लाई होते। नहीं, निजी कारण पैदा कहां से हुए वो भी तो सवाल है, वो पैदा कहां से हुए, किसने वो पैदा किए निजी कारण, ये भी सवाल है। अब सवाल है तो उसका जवाब भी होना चाहिए, अब ये जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। रवीन जी अनम्यूट कीजिएगा। रवीन जी कहां से जवाब? मैं अरुण जी की बात से इस बात से सहमत हूँ कि जब कोई इतना बड़ा अधिकारी होता है तो उसकी निजी जीवन से उसका ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना पूरे तरीके से काम में होता है। लेकिन फिर भी देखिए जो पहली प्रतिक्रिया जो आई है जिसने इस्तीफा दिया है तो जो बोला है उसे ही मानना पड़ेगा। अब रही बात बाकी, आप पत्रकार हैं, आप एक कहावत भी है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, तो आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसके कारण ढूंढ सकते हैं, इसकी वजह ढूंढ सकते हैं,
तो इसके प्रवीण जी हम तो कह रहे हैं वो कौन सा दबाव है, हम तो सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा दबाव, वो कौन सा प्रेशर था जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब अगर हम नाम खोज कर भी ले आएंगे तो कुछ काम तो जांच कमेटी भी कर ले ना, कि सब हम यहाँ से बैठ के कर ले खुद ही। ये सीधी देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ, देखिए अगर जिसने बयान दिया या तो वो ये कहता कि मैं दबाव में, इतना दबाव में था कि मुझे मेरे निजी कारण याद आ गए इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आज कल उन्होंने इस्तीफा दिया है ये बताते हुए दिया है कि मेरे निजी कारण थे। अब इस पे प्रेडिक्शन लगाना कि भाई अपने अपने तरीके से जैसा जिसका हिसाब है, आप हमारे से हमारे पक्ष के हैं तो हो सकता है हमारे पक्ष में सोच के प्रेडिक्शन लगाएंगे, आप बिल्कुल हमारे से नफरत करते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता भी उसी लेवल पे चली जाएगी कि नहीं नहीं ये कारण होंगे इसलिए इस्तीफा दिया होगा। तो ये कारण की जांच तो सरकार है, सरकार का काम पहला ये है, देखिए अधिकारी को यह है तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस जो है किसी भी सूरत में जो है जो हमारा कैलेंडर नया जारी हुआ है उस कैलेंडर के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया जारी रहे और ईमानदारी के साथ शुचिता के साथ जो है इनके पेपर जो है पूरे तरीके से हो जाए, बच्चों के साथ किसी भी तरीके से जो एक लंबे समय से उत्तराखंड में नौकरियों को लेके जिस तरह डाका डाल रहा था वो जिस प्रकार से धामी जी के नेतृत्व में इस डाके को इन डकैतों को जेलों के अंदर में डालने का काम किया, इस प्रक्रिया को अगर आगे भी कोई इस तरीके की हरकत करने के बारे में सोचता है या ऐसा करने के बारे में उसके मन में भी ख्याल आता है तो ऐसे लोगों का भी ठिकाना जेल ही होगा निश्चित रूप से हमारी। और जेल के बाद बेल हो रही है जो देखिए बेल देना कोर्ट का काम है, कोर्ट बेल देता इतना है, इतना सख्त कानून बना उसके बावजूद भी बेल हो रही है तो रवीन जी सवाल फिर भी उठेंगे। एक बात का जवाब मैं आपको और दे देती हूँ, आपने जैसे कि कहा जो हमसे प्यार करता है वो उसे अकॉर्डिंग देखे, जो नफरत करता है वो उसे अकॉर्डिंग देखे। हम पत्रकार हैं, ना बीजेपी से प्यार है ना नफरत है, हम तो दोनों पहलू मान रहे हैं। हम तो ये भी मान रहे हैं कि निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया होगा और हम तो ये भी मान रहे हैं कि विपक्ष जो कह रहा है वो भी सही है। मैंने तो आपके गुणगान में पहले कह दिया कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, मैंने तो आपको उससे बिल्कुल अलग रखा हुआ है, अरुण जी को भी कहा, मैं तो अपने दर्शन जी को अपने पीसी थपलियाल जी को कह रहा हूँ कि इनकी एक हफ्ते में कैसे अपने बयान बदल जाते हैं। तो वो भी कैसे, वो आपसे प्यार कैसे कर रहे हैं? रानी रावत केदारनाथ की जब उन्होंने मुख्य सचिव को एक लेटर दिया अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए, इन्होंने कह दिया ये सरकार में बेलगाम हो गए हैं अधिकारी। मैं तो उस बात को लेके कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी बिचारे कितने गरीब हैं, इनके ऊपर कितना दबाव है, इन बिचारों को बिल्कुल। चलिए आशीष जी जवाब देंगे, आशीष जी उसके बाद दर्शन डोभाल जी और पीसी थपलियाल जी। आशीष जी अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी, अभी रविंद्र भाई ने बताया कि हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी है, तो मैडम ये तो बात है ही, एक अनुमान है। देखो उन्होंने तो बताया नहीं, अभी जांच हुई नहीं, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाएगा कि इस्तीफा दिया क्यों। और बड़े प्यार से सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया, पूछा नहीं तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो, इतने बड़े दायित्व है आपके ऊपर, आप सब समाज के लिए भी अपने रिटायरमेंट की एज में अब आ चुके हैं। राकेश कुमार जी ने कई परिस्थितियां झेली होंगी, आज आखिरी पड़ाव में ऐसी क्या बात हो गई कि राकेश कुमार जी को हार माननी पड़ी इस बात से कि मैं सरकार के दिए हुए टारगेट को पूरा नहीं कर सकता हूँ। सरकार ने जो मुझे टारगेट दिया कि आपको देखो या तो मेरे 20,000 आदमी सेट करो और नहीं तो चलते बनो, यहाँ पे नया बैठ जाएगा तुम्हारी जगह पे, नया आदमी तैयार है पीछे से, और वही निश्चित उसी तरीके से इस्तीफा जैसे ही पेशकश करी उन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई अगला आदमी तो तैयार बैठा है जो हमारा टारगेट पूरा करने वाला है। सरकार सिर्फ टारगेट दे रही है जो हमारा अनुमान है, और हमारा अनुमान गलत नहीं है, विपक्ष अनुमान लगाएगा, कोई भी बैठा होगा अनुमान लगाएगा, क्यों ना लगाए, क्योंकि हम राज्य के प्रति गंभीर हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं बैठे हैं सिर्फ अपना परिवार चलाने के लिए, हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात भी है कि हम अगर इंसान है तो हमारा दायित्व है कि हम राज्य के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए कुछ सोचे करें। आज इतना समय लगाते हैं हम और आप लोग मिलकर, जो समय लगा रहे हैं जितने लोग मेरे भाई डिबेट बैठे हैं, किसी को तनख्वाही नहीं मिलती, सब अपने ही खर्चे से और अपने ही समय निकाल कर डिबेटों में आते हैं और बोलते हैं, और सब अपने विचार रखते हैं, इन विचारों को जनता सुनती है, समझती है, और जनता एनालाइज करके जो सही होगा उसे सही मानेगी, जो गलत होगा उसे गलत मानेगी। लेकिन ये सच्चाई है, देखिए दबाव कुछ ना कुछ तो रहा होगा, पर्सनल कारण क्या होते हैं, पर्सनल कारण ऐसा तो है नहीं कि घर में इसकी सब्जी लानी है या ये कुछ लाना है, ये क्या सब पर्सनल कारण है, ये कोई पर्सनल कारण नहीं है, सच्चाई है कि सरकार के दबाव में राकेश कुमार जी ने इस तरीके का किया है। और
नकल रोकने की, जहां तक इन्होंने कानून की बात करी, कल कोई आपके सामने एक केस हरिद्वार में पकड़ा गया, ऐसा कानून बनाएंगे, थैंक यू धामी, थैंक यू। अरे यार, नकल एक प्रक्रिया है जो बच्चा करना चाहता है और हमारा काम होता है पकड़ना। अब उस पर आपने कानून बना दिया, इस कानून के बाद नकल नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखो सब स्थितियां सब चलता रहता है, कानून अपनी जगह पे काम करते हैं। तो इतना जितना इन्होंने आतंक फैलाया था, थैंक यू थैंक यू, और आज सब हमें देख देख के कानून बना रहे हैं, वो राज्य भी देख रहा हमें, ये भी देख रहा। जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और जनता को समझना चाहिए। इन लोगों ने जब इतने बड़े अधिकारी को प्रताड़ित कर दिया तो आप और हम जैसे छोटे लोग तो इनके सामने कुछ मायने नहीं। रविंद्र जी, इन्होंने सबको त्रस्त किया है, जवाब दीजिए। जी देखिए, जिस प्रकार से लेके ये एक आरोप लगा रहे हैं कि दबाव इसलिए बनाया कि हमारे 20,000 लोग भर्ती कर लीजिए, मैं भी तो इससे आगे बता रहा हूँ कि जब ये गए करण महाराज जी के पास, राकेश कुमार जी, कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को हो रहे हैं और मेरे पास सबूत है, करण महाराज जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, 10,000 मेरे भर्ती कर लो, ऐसे नहीं, कोई हम आवाज वूज नहीं उठा। इस बात से फर्क भी क्या पड़ रहा है, मैं तो कह रही हूँ चलिए ठीक है। नहीं नहीं, ये बताइए रविंद्र जी, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे भी कैंडिडेट सेट कर दो, तो आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष का प्रेशर ज्यादा था? हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ विपक्ष के प्रेशर के कारण उन्होंने, आपका विपक्ष के प्रेशर के कारण। दर्शन जी देखिए, माफ कीजिएगा रविंद्र जी, देखिए इस तरीके से नहीं, ये हवा में तीर नहीं मारिए। ये निजी कारणों का इस्तीफा कुछ नहीं होता, ये हमें भी पता है। हम भी अगर इस्तीफा देंगे संस्थान में तो यही लिखते हैं कि कार्यकाल बहुत बेहतर रहा और अब मैं निजी कारणों के चलते इस्तीफा दे रही हूँ। लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है ये सभी जानते हैं, सबको पता होता है कि क्या हुआ है अंदर। इस चैनल पे इतनी गंभीर बहस होती है, आप इतनी गंभीरता से बहस करती है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस बयान दे रही है मैं उसी मजाक में इनके बयान को। रविंद्र जी देखिए, मजाक नहीं चल रहा है ना, ये उन 25,000 लोगों का फ्यूचर का सवाल है। 25,000 पदों पर भर्ती होनी है, मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे। दर्शन डोभाल जी, दर्शन डोभाल जी, ठीक है रुकिए रुकिए, रविंद्र जी एक सेकेंड रुकेगा, रविंद जी, दर्शन डोभाल जी। यश जी, सबसे पहले तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ रविंद्र जी को आज, क्योंकि सबसे मेरे नजर में आज से ये सबसे ईमानदार प्रवक्ता है बीजेपी के, जिन्होंने कम से कम आपके चैनल पर ये एक्सेप्ट किया है कि राकेश कुमार जी ये धांधली का पिटारा लेकर गए थे विपक्ष के नेता के पास, करण मेहरा जी के पास, कि देखिए बीजेपी का भ्रष्टाचार है, आप कुछ करिए। यानी उन्होंने आधा अपना ये एक्सेप्ट कर लिया कि बीजेपी में भ्रष्टाचार था और वो पिटारा लेकर गए थे करण मेहरा के पास कि इस मामले को उठाइए, और उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने मना किया या नहीं किया वो बात अलग है, वो विषय अलग है, लेकिन ये इन्होंने मान लिया आज आपके चैनल पर कि बीजेपी में भ्रष्टाचार था और इस धांधली में जो प्रेक्षा भर्ती हुई है इसमें भाजपा का सीधा हाथ है। अब दूसरी बात मैं कहूंगा, राकेश कुमार जी का जो इस्तीफा है, आप इस बात को समझिए कि राकेश कुमार जी की ईमानदारी के इससे प्रमाणित होती है कि राकेश कुमार जी एक ईमानदार अफसर थे। इसलिए होती है कि जब ये धांधली हुई, जब एस राजू ने सरकार पर आरोप लगाए, सरकार बहुत बदनाम हुई, अफसर बदलना पड़ा, अफसर फिर इन्होंने कोशिश की, मैं मानता हूं कि भाजपा ने कोशिश करी कि अब कोई ईमानदार अफसर लाया जाए ताकि थोड़ा सा ये दाग धुल जाए हमारे ऊपर से, जो बदनामी हुई है वो थोड़ी कम हो, लोग भूल जाए, तो उनको वहां लाया गया। और शायद राकेश जी भी इसी मंशा के साथ में उन्होंने ये पद एक्सेप्ट किया है, हो सकता है अगर वो गलत होते तो शायद वो एक्सेप्ट करते ही ना, उनको लगा मैं ये चीजों को ठीक कर दूंगा, जो वह खामियां होंगी उन्हें दूर कर दूंगा। लेकिन जब राकेश कुमार जी उस महकमे में घुसे, जब उनको लगा ओफो ये तो मकड़ जाल है, इसमें तो मैं ही फंस जाऊंगा, इसमें तो मैं ही मारा जाऊंगा, तो शायद उन्होंने जो है किसी तरह से जो दिन काटे वो काटे, उसके बाद उन्होंने जो है इस्तीफा लेने का निर्णय लिया। और दूसरी बात मैं ये भी जोड़ता हूँ कि सरकार में मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं, राकेश कुमार जी को वो बाहर कर सकते थे या राकेश कुमार जी का कुछ बिगाड़ सकते और गलत होते, लेकिन ये ऊपर से दबाव होता है कि ये केंद्र से दबाव होता है कि आप अफसर को टाइट रखिए, अगर हमारे लोगों का फायदा हो रहा है, सरकार का फायदा हो रहा है, अगर आपकी कमाई ठीक चल रही है क्योंकि आपको चंदा भी देना है तो आप करिए धांधली, लेकिन अगर कोई आईएएस अफसर चाहे कितना भी ईमानदार हो उसका इलाज हम करेंगे, उसका क्या इलाज, क्योंकि या तो इनके बस का तो है नहीं, एक आईएएस अफसर का क्या बिगाड़ सकते हैं, ये राकेश कुमार जी का बिगाड़ क्या सकते हैं, भाजपा के लोग कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन उनको लगा कि मैं केंद्र का जो है शिकार हो जाऊंगा, केंद्र सरकार का शिकार हो जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से किनारा करने में ही फायदा है, मुझे यहाँ से किनारा कर लेना चाहिए, और मुझे तो यही इसमें लगता है
अब देखिए इसमें दो तरह की बातें और हो रही है। अब आज तक तो सिर्फ इसमें बेरोजगार ही इसके जो है शिकार हो रहे थे, इस मकर जाल के जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, धंधा है ये पेपर बेचने का। अब इसमें कई अफसर भी नपने लग गए, एस राजू गए, अब फिर ये राकेश कुमार जी गए, कई और नपेंगे, कई इनके सरकार जाने के बाद जो लाइन लगेगी, जब ये सरकार जाएगी उत्तराखंड से, तब तो उसके बाद अब सोचिए कितने लोग नपेंगे इसके अंदर, और उनको तो आज ही जो इस चीज का बुखार पड़ा होगा कि जब ये सरकार जाएगी तो हमारा क्या होगा, नपेंगे, कई छोटे मोटे कर्मचारी इसमें जाएंगे। थपलिया जी देखो, बहुत ही जो हमारी डिबेट है और जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे भर्सन रख रहे हैं, दो दो बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और हमें अभियोग लगा रहे हैं कि ये आईएएस अफसरों को एक सब लास्ट डिबेट में जो विधायक की बात थी और मुख्य सचिव की बात थी, उस समय हमने कहा कि मुख्य सचिव इसलिए उठे नहीं विधायक के लिए कि आज राजनीति अपना सम्मान खो चुकी है। जो एक राजनीति का नॉलेज होना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, जो क्योंकि इज्जत कमांड की जाती है, डिमांड नहीं कर सकते आप इज्जत को, तो इसलिए मुख्य सचिव बहुत ही काम कर रहे हैं, ये मैंने कहा था। अब मैंने मुख्य सचिव के बाद इसका मतलब मैंने सारे सचिवालय को कैसी बातें करते हैं वो सब्जेक्ट अलग था। आज राजेश कुमार जी की जो स्थिति है, अनम्यूट कीजिएगा थपलियाल जी, थपलियाल जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी थपलियाल जी की जरा आवाज को चेक किया जाए। अरुण शर्मा जी यहाँ पर जो आरोप लग, हाँ रविंद्र जी आती हूँ मैं, अरुण और लेकिन लेकिन इसके बावजूद जो आज स्थिति हुई है हमारे राज्य की, ये किसी भी ईमानदार अधिकारी को सरकार ने टॉलरेट नहीं कर रही है। जो एक सिस्टम होता है विभाग में सीनियर टी का जूनियर टी का, वो खत्म हो चुका है। आज पियोन भी अगर बाबू भी अगर डिपार्टमेंट में है तो उसके कनेक्शन मुख्यमंत्री और मंत्रियों से हैं, और ये राजनीति इतनी गंदगी किचन में पूरे व्यवस्था को धकेल दिया है कि अब इसको ऊपर लाना मैडम असंभव है। ये ऐसे ही आते रहेंगे प्रवक्ता, पा 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 करते रहेंगे, लेकिन योग्य लोगों की कोई जगह नहीं है उत्तराखंड में। केवल ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी है जो बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे। रविंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए जैसे कि देखिए मैं आपसे कहा था कि आज इतने गंभीर विषय पे ये चर्चा हो रही है, विषय पे चर्चा होना ठीक है, आप अपनी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं राकेश कुमार जी ने क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी उठना चाहिए था अगर विपक्ष में था कि अब आगे किस प्रकार से भर्तियों का जो कैलेंडर बनाया उसमें कैसे सुचिता के साथ बच्चों के साथ उनके एग्जाम होंगे, उनकी भर्तियों के लिए प्रोग्राम होगा। मैंने दो बार ही रवीन जी आपसे ये सवाल पूछा है। जी मैं देखिए जैसे कि आप तो पूछ रहे हैं, आप एंकर होने के नाते आप पूछ रहे हैं, मैं रवीन जी मतलब एंकर होने के नाते मैं सवाल पूछूंगी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप केवल उन्हीं सवालों का जवाब देंगे जो विपक्ष पूछेगा। वाह जी वाह, ये सी बहुत बढ़िया जी। मैं उसको सुन लीजिए ना, आप पूरी बात नहीं सुनी आपने मेरी, मुझे आपने बात ही कर दी कि मैं यहाँ पे एंकर हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं सवाल पूछती हूँ, मैं पागल हूँ? आप पहले पूरी बात को सुन लीजिए। मैंने उस बात को कहा कि जिस बात को गंभीरता इस चैनल की है, जिस प्रकार से ये दो दो बार यहाँ बैठ के कह रहे कि जी इस प्रकार मुख्यमंत्री ने अपने लोग सेट कराने के कारण उन्हें छोड़ा, मैं उस बात पे कह रहा हूँ। यश जी सवाल इनका बनता था, आपने तो किया, आप एंकर होने के नाते किया, मैंने आपका जवाब नहीं दिया, इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि विपक्ष ने नहीं पूछा। मैं वही तो जी मैंने जवाब दिया है, इससे पहले भी जवाब दिया हमारी जी, मैंने दो बार आपसे ये सवाल पूछा और दोनों बार आपने सिर्फ ये स्क्रिप्ट कहानी सुनाई और अपना आपने वो जो दूसरी वाली बात पूरी कर दी कि भाई विपक्ष भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि भाई ये 25,000 पदों की भर्ती का क्या। लेकिन आपको तो लग रहा है एंकर यहाँ पर बैठा है वो बेवकूफ है, सवालों के जवाब तो आप केवल विपक्ष के सवालों के देंगे और विपक्ष के सवालों का भी तो जवाब नहीं दे रहे, आप कर क्या रहे? यशीत जी मैंने आप अगर मेरी डिबेट को थोड़ा सा पीछे ले जाकर मेरा देख लेंगे, मैंने बोला है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं हुई है मेरी कि मुझे डिबेट पीछे करके सुनना पड़े, मुझे पता है आपने इस एक घंटे की डिबेट में क्या कुछ कहा है।
मैंने ये कहा है यशी जी कि हमारी पहली लक्ष्य यह है, इस्तीफा अगर हो गया हम अपने कैलेंडर के हिसाब से भर्तियों को सुनिश्चित करें, ईमानदारी से जवाब दे दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ यशी जी, ठीक है इस्तीफा अगर हो गया किन कारणों से, पदों की भर्ती का क्या सिंपल, देखिए इस्तीफा अगर हो गया, अधिकारी ने अगर इस्तीफा दे दिया, अधिकारी हमारे पे और भी अच्छे हैं, ईमानदार है, अध्यक्ष आएगा उस पर प्रेशर बनाया जाएगा, फिर वो 20,000 पदों की भर्ती जिनको रखना होगा उनको रख लेगा, विपक्ष अगर इंक्लूडेड है तो वो भी हो जाएगा, बस इतना ही। नहीं नहीं ऐसा नहीं है ना, एक स्क्रिप्ट मैं बना देती हूँ, सब बना रहे तो नहीं 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 आप ऐसी आप अपनी स्क्रिप्ट बनाइए, स्क्रिप्ट बनाने से कुछ नहीं होता ना सरकार, देखिए स्क्रिप्ट बनाने से कुछ नहीं होता, जैसा काम होता है उसके तरीके से होता है। आज आपने दो बार एंकर को अंडरएस्टिमेट किया है, आप स्क्रिप्ट बनाए ठीक है, एंकर ने बना दी तो लो आपके स्क्रिप्ट बनाने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मैं सर क्या रवीन जी मतलब क्या चाहते हैं आप, फंस गए हैं भाई साहब। एक तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने माना है कि हमारी सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं, दर्शन जी वो तो उन्होंने पहले इस बात को कहा था कि चलिए एक एक पल के लिए मैं इस बात को मान लेता हूँ, सैल्यूट करता हूँ ईमानदारी को, सैल्यूट करना चाहिए। चलिए रविंद्र जी अभी भी 25,000 पर अटकी हूँ मैं, अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो मैं जरा अरुण शर्मा जी का रुख कर लेती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा यशी जी पहले भी कहा था, हमारी सबसे प्राथमिकता यही है कि हम ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई उनके साथ जो पिछले सरकारों में होता था पिछले लंबे समय होता था बेईमानी ना हो, शुचिता के साथ ईमानदारी के साथ उनके रिक्त पदों पे उनकी परीक्षा ईमानदारी के साथ हो जाए, और जो ईमानदार बच्चे हैं ऐसे बच्चे अपने अपने स्थान प्राप्त कर लें, अपनी सीटें प्राप्त कर लें, और ऐसे बेईमान लोग जो पैसा दे के पहुंच से अप्रोच से आने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों को किसी भी तरीके से बाहर रखा जाए, या वो लोग जो नकल के बारे में सोचते हैं या नकल के माफिया गिरी करते हैं उनको जेल पहुंचाने का काम जिस प्रकार ने सरकार ने माननीय धामी जी के नेतृत्व में किया ये आगे भी ऐसा होता रहेगा, और पूरी ईमानदारी के साथ हमारा वादा है बच्चों के साथ भी बेरोजगारों के साथ भी, नकल वही लोग परीक्षा करा पाएंगे ना, बिल्कुल नकल वहीन परीक्षाएं होंगी, बिल्कुल नकल वहीन परीक्षाएं, लेकिन नौकरी वही लगेगी जिनकी सेटिंग होगी, चल गया नौकरी उन्होंने ही लगनी है जिनकी सेटिंग है आपके साथ, नया अधिकारी वही आएगा जिसको 20,000 का टारगेट लेगा, ये बात भी बोल दो नकल विहीन क्या होता है, नौकरी तो उसकी लगेगी तो उसकी सेटिंग होगी। नोडियाल जी अभी भी राजस्थान में, अभी भी हटा दिया, सुन लीजिए अभी भी हटा दिया, एक पेपर लीक हुआ है उनके बारे में, कोई किसी की रिपोर्ट नहीं आई, कोई जांच एजेंसी नहीं, कोई जांच करा उसकी, मोदी जी बैठे हैं सबसे बड़े राजस्थान में, आपकी सरकार है वहाँ, वो भाजपा वाले हैं वो जिनके जिनके बच्चे लगे, नहीं तो आज तक तो आतंक हो जाता, आप देख रहे हैं किस तरह आतंक कर रहे हैं, आप चिल्लाली छोड़ के अंदर वहाँ की आम जनता को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पुलिस की निगरानी में किस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं आप लोग, अरुण शर्मा इसको कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग। अरुण शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, देखिए भाई रविंद्र जी ने तो दो दो बार एंकर को अंडरएस्टिमेट किया है, और मुझे लगता है कि पत्रकार होने के नाते आपको इनसे तो कहना ही चाहिए कि माफी मांग ले भाई, मांग लो रविंद्र भाई माफी मांगो, माफी मांगिए रविंद्र जी, मैंने तो गलत करा आपने। अरुण जी देखिए रविंद्र भाई ने अगर ऐसा कुछ बोला है जिससे आपको ठेस पहुंची है तो निश्चित तौर पर उनको उस पर विचार करना चाहिए कि कभी इस तरह की बात डिबेट में ना बोलें जिससे हम लोगों को ये लगे किसी के मतलब मान सम्मान पे चोट लगे, ऐसा कोई बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए सवाल वही है कि कारण कौन से थे, अब कांग्रेस ने अपने कयास लगाए, भाजपा ने अपने स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कारण बहुत गंभीर होंगे, देर सवेर वो खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि जब एस राजू ने इस्तीफा दिया था तो एस राजू ने काफी दिनों बाद ये बात बोली थी कि मेरे ऊपर दबाव था और अगर मुझसे पूछताछ होगी तो मैं नेताओं का नाम बता दूंगा, एकदम नहीं बोला था उन्होंने, काफी दिन बाद बोला था। हाँ। अगर सबको याद हो। हाँ जी। और यही स्थिति इसमें भी आ जाएगी सामने कि ये छोटा प्रदेश है, और देखिए ऐसा नहीं है कि राकेश कुमार के साथ किसी के संबंध ना हो, बहुत लोगों के संबंध होंगे, निकल के आ जाएगी चीजें, अब क्योंकि ये ताजा मामला है तो राकेश कुमार भी अपने को पर्दे के पीछे रखे चल रहे हैं, क्योंकि वो देखिए आईएएस अफसर है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं प्रीमैच्योर, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि वो आगे अपना भविष्य भी तलाश रहे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत सारी संस्थाएं जो रिटायर्ड आईएएस को अपने यहाँ अपने अभियानों में शामिल कर देती है, अपने कामों में शामिल कर देती है, ये तमाम लोगों को पता है।
लेकिन जिन परीक्षाओं को जो कैलेंडर जारी था उनको कौन लोग और किस तरह पूरा करेगा, ये अहम सवाल है। ये युवाओं के लिए यक्ष प्रश्न है इस प्रदेश के। बिल्कुल अरुण जी, देखिए काफी गंभीर विषय है ये, और इस पर बातचीत होनी भी चाहिए थी। हालांकि रवीन जी ने अभी तक इसका क्लियर जवाब नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इसके जवाब हमें जरूर आगे मिलेंगे, क्योंकि देखिए 25,000 पदों पर भर्ती की बात लगातार कही जा रही है, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, और जिस तरीके से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया राकेश कुमार जी ने, बच्चों के भविष्य को भी तो हमें ध्यान में रखना है। और क्या ये जैसे कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने में सफल नहीं होगी? अरुण जी, देखिए ये परीक्षाएं तो बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, क्योंकि परीक्षाएं ईमानदारी से होना, नकल विहीन होना, सुचारू होना और रिजल्ट निकलने तक कहीं कोई उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह ना लगना, ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए। और क्योंकि पिछले दिनों लगातार एक के बाद एक भर्तियों में घोटाले सामने आते रहे हैं, इसलिए ये चुनौती ज्यादा बड़ी हो गई है। और इस चुनौती से कैसे पार पाया जाएगा जब आपके पास एक महत्वपूर्ण संस्था का जिसने भर्तियां कर दी उसका अध्यक्ष ही नहीं रहा, और कब तक आप नए अध्यक्ष को चुनेंगे, और नया अध्यक्ष उन परीक्षाओं को किस रूप में लेता है, उन कैलेंडर की कौन सी तैयारी करवाता है, क्योंकि ये सवाल बहुत अहम है और ये सवाल लगातार मोबाइल खड़ा रहेगा। बिल्कुल देखना होगा कि आखिर इन सवालों के जवाब कब तक मिलते हैं। अरुण जी, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे राकेश कुमार जी के इस्तीफे को लेकर, जहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया, एक ओर जहां पर हामी जी कह रहे हैं कि 25,000 पदों पर भर्ती होनी, वही दूसरी ओर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है राकेश कुमार जी ने, निजी कारणों का हवाला देते हुए ये इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ 25,000 पदों पर जो भर्ती होनी है उसमें जो बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अब एक ये गंभीर मसला बन चुका है। अब इन सवालों के जवाब कब तक मिलते हैं ये तो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।